गुड मॉर्निंग डॉक्टर हर्ष कुमार सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी लोग को। गुड मॉर्निंग, मैं हर्ष कुमार दिल्ली से, और मेरे मम्मी पापा का नाम मिस्टर शिवशंकर मेहता एंड मिस रानी देवी है, और जो मेरे ग्रेट अपलाइन है उनका नाम मिस्टर दिनेश यादव सर है। और आज 6 बजे वाली जूम जूम सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज का जो सेशन है वो मैं लेने वाला हूँ आज का जो सेशन है वो मैं लेने वाला हूँ और आज के अब हम बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो आज हम मात्र 5 मिनट में समझेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आसान शब्दों में। वो भी आज हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है, डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करनी चाहिए। तो ये हम चारों चीजें आज हम इस सेशन में जानेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोसेस जो होता है वो होता है मैन्युफैक्चर से लेके सीधा कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जाते हैं। एक तरह से प्रोडक्ट की सर्विस होती है। और डायरेक्ट सेलिंग अब कैसे काम करता है, तो इसमें हम ट्रेडिशनल मार्केट को एग्जांपल में ले लेते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट के पेन को हम लेंगे आज एग्जांपल में। तो आप देख सकते हैं ये एक स्टेशनरी की शॉप है और इसके अंदर कितने सारे पेन्स हैं, 10 वाले हैं, 5 वाले हैं। हम 10 वाले पेन को एग्जाम्पल में लेकर चलेंगे यहाँ से। तो मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूट ये जो पेन हमको अब कैसे मिलता है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का हम एग्जाम्पल ले रखा है हमने अभी। तो जो पेन होता है वो मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर इन सभी चीजों के पास जाने के बाद ही हमारे पास आता है कंज्यूमर के पास। तो यहाँ पे जो है एडवर्टाइजिंग के पास भी जाता है यहाँ पे 2 रुपए। और ये जो पेन अगर मैं बात करूँ तो रियल में ये जो पेन होता है वो 4 रुपए का होता है मैन्युफैक्चर के पास, और जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आते आते ये 6 रुपए का हो जाता है, और होलसेलर के पास आते आते ये 7 रुपए का हो जाता है, और रिटेलर तक आते आते वो 8 रुपए का हो जाता है, और कंज्यूमर तक जाते जाते वो 10 रुपए का हो जाता है। तो 4 रुपए का पेन यहाँ पे 10 रुपए का बन गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दिन यहाँ 10 रुपए वाला पेन एक दिन में 1 करोड़ लोग खरीदते हैं। तो यानी एक दिन का 10 करोड़ रुपया। एक्चुअल पेन प्राइस जो है वो है 4 रुपए, और इंटू में हम कर देते हैं 1 करोड़। तो 4 करोड़ रुपए एक्चुअल पेन प्राइस है सिर्फ एक पेन का। और ये मिडल मैन के पास जाता है यहाँ से 6 रुपए का। एक मिडल मैन के पास प्राइस जो होता है वो होता है 6 रुपए का। तो इसमें हम 1 करोड़ को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 करोड़ यहाँ से आ जाता है। तो यानी 6 करोड़ रुपए का एक दिन में पेन सेल होते हैं। तो अगर एक दिन में 1 करोड़ पेन बिकता है तो 30 दिन में 30 करोड़ बिकेगा। यानी 6 रुपए हम मिडल मैन या एडवाइजिंग को देते हैं, तो 6 करोड़ को हम 30 दिन से इंटू में ले लेते हैं, तो 180 करोड़ रुपए हम महीने में दे रहे हैं मिडल मैन को। एक एक मिडल मैन को हम 180 करोड़ रुपए दे रहे हैं महीने में। तो यहाँ पे हम जो पूरा जो साल होता है यानी 12 महीना का एक साल होता है, तो 180 करोड़ एक महीने का, तो 180 करोड़ पूरे साल भर का कितना हो, तो 180 करोड़ को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 9600 करोड़ बन जाता है। यानी 9600 करोड़ रुपए मिडल मैन के पास जाता है सिर्फ एक साल में। 9600 करोड़ इनको चला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर के पास, 9600 करोड़ रुपए चला जाता है। ध्यान रहे हम सिर्फ एक पेन की बात कर रहे हैं। अगर मिडल मैन और एडवर्टीजमेंट को हटा दे तो हम लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। ये भी बात सही है। डायरेक्ट सेलिंग, अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में सीधा जो एक तरह से फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर के पास जाता है। यानी हमने लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से, हजारों लाखों रुपए यहाँ से हमने बचा लिया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर इन सबको हमने कुछ भी इनकम, मतलब कि कुछ भी पैसे नहीं दिए, जिससे हमारे कई सारे जो इनकम है वो बच गई। तो डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है जो पैसा मिडल मैन को प्रचारक को देते हैं उसे बचाकर सीधा कंज्यूमर में बांटना।
मान लीजिए मैंने बाहुबली 2 देखी, अब बाहुबली में मुझको बाहुबली पिक्चर मुझको बहुत ही बढ़िया लगी। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया और मेरे फ्रेंड्स ने इसी को फैलाया। मैंने 300 रुपए की टिकट लेकर देखी है, तो फ्रेंड्स मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी 300 रुपए टिकट लेकर ही देखनी होगी। अब वो लोग टिकट लेकर देखते हैं तो इसमें मेरे को कोई फायदा नहीं आता है, मेरे को कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन जो वहां पे जो टिकट बेचने वाला होगा उसको फायदा होगा, जो बाहुबली पिक्चर होगी उसको फायदा होगा। तो यहाँ पे मुझको यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ मिला, लेकिन जो माउथ मार्केटिंग करने में, डायरेक्ट सेलिंग में हमको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए तो अब हम ये जानेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं पहले यहाँ पे चाय की डपली से। चाय की डपली जो है इसे लगाने में भी कम से कम हमें 50,000 से ज्यादा का खर्चा आता है। 50,000 से ज्यादा का एक छोटी से छोटी हम चाय की डपली लगाते हैं तो कम लागत में हम यहाँ खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नौकरी व अन्य व्यवसाय। डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग में हमको समय की आजादी मिलती है, एजुकेशन सिस्टम मिलता है, हमें लाइफ अपनी लाइफ को चेंज करने का एक जो है मौका मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग में हम अपने सपने डायरेक्ट सेलिंग को हम कहीं भी रहकर हम स्टार्ट कर सकते हैं, अपने देश में या विदेश में कहीं भी शुरू कर सकते हैं हम अपने डायरेक्ट सेलिंग को। लेकिन जो नौकरी होती है, नौकरी में क्या होता है कि हमको अब यहाँ से मुंबई में नौकरी करनी है तो मुंबई में ही हमको रहना पड़ेगा, अपने परिवार से दूर, अपने मम्मी पापा से दूर रहना पड़ेगा हमको मुंबई में। और उसके बाद फिर भी वहां पर रहने के बावजूद हमारे पास जो है इतनी इनकम नहीं आती है कि हम खुद के भी सपने पूरे कर पाए, हम अपने परिवार वालों के सपने पूरे कर पाए। और जो है यहाँ से नौकरी से जो है नौकरी से हम अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते, बल्कि जो हमारा जो ओनर होता है हम उसके सपने पूरे करते हैं, हमारा जो मालिक होता है हम उसके सपने पूरे करते हैं। तो यहाँ से हम कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं, नौकरी से हम कभी भी अपने सपने पूरे कर नहीं कर सकते हैं, पूरे नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग से हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे सपने तो पूरे होंगे ही, बल्कि हमारे परिवार वालों के भी सपने पूरे होंगे। यहाँ पे एक है हमारी ट्यांस है जिससे हम अपनी सपने पूरे कर सकते हैं, हम सक्सेस की ओर जा सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग जो है महंगाई मुक्त व्यवसाय है, इसमें सरकारी नौकरी डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए तो सरकारी नौकरी के लिए जरूरी है डिग्री, उम्र की पाबंदी, फिटनेस, ये सब सरकारी नौकरी के लिए जरूरी है। बट डायरेक्ट सेलिंग में उम्र, धर्म, जाति, शिक्षा, ये सब जो है नहीं देखी जाती है, बस देखी जाती है कि मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहे, मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहे। अगर जो एक बार डायरेक्ट सेलिंग को अच्छे से करना सीख लेता है वो जीवन भर सक्सेस होता रहता है। अब हमको ट्यांस जो है हमको ट्यांस से 4 चीजें मिलती है, जो हमारे यही 4 चीज हमारी लाइफ नीड्स होती है, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ये 4 चीजें हमको मिलती है ट्यांस से।